आज हम बात करेंगे एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट के अंतर के बारे में। एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट का काम ऑलमोस्ट सेम है। वो दोनों ही स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। कोई नया बिजनेस होता है उसको वो फंड करते हैं, उसमें वो पैसा लगाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स इनसे पैसा मांगते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, और ये पैसा उसमें फंड करते हैं। काम दोनों के एक जैसे लगते हैं, पर इनमें अंतर की बात आज हम करने वाले हैं। संक्षेप में एंजल इन्वेस्टर कौन होता है? एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो एक एंजल की तरह काम करता है, जीनी की तरह काम करता है। आपके बिजनेस को पैसा तो देता ही है, टाइम देता है, एक्सपीरियंस मनी देता है, अपना टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी थोड़ा सा देता है। अर्ली स्टेज कंपनीज में जब आपका बिजनेस एक आइडिया है, आप एक आइडिया के साथ एंजल इन्वेस्टर के साथ पास जाते हो कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे अपना प्लीज पैसा दे दीजिए, तो वो अपना पैसा दे देते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स जनरली रिटायर्ड एग्जेक्टिव्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज भी हो सकते हैं। वो आपके स्टार्टअप में अपना पैसा लगाते हैं क्योंकि उनके पास खूब सारा पैसा है, और उनको आपका प्रोजेक्ट, उनको आपका आइडिया बिजनेस का अच्छा लगा, इसलिए वो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं। उनको सिर्फ वो प्लान अच्छा लगता है, उनको ये ज्यादा नहीं रहता कि हाय अब हमारा पैसा वापस कब आएगा, आज मैंने इसको 10 लाख दे दिया सो आई विल हैव टू वेट, कब मेरे को 10 लाख 1-1 लाख करके वापस मिलेगा, ऐसा उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो पैसा डुबाने के लिए किसी भी स्टार्टअप में पैसा लगा देते हैं। नो, इट्स गुड दैट द मनी कम्स बैक, अच्छा है अगर उनका पैसा वापस आता है, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ सोच जो है वो यहां तक सीमित नहीं है कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो मुझे वो पैसे वापस फटाफट कब मिलेंगे। उनका ऐसा नहीं है, दे हैव इनफ मनी, लेकिन वो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं रहते हैं कि कब मुझे मेरा रिटर्न मिलेगा। दे हैव इनफ मनी, इसलिए उन्होंने आपको भी फंड कर दिया। वेंचर कैपिटलिस्ट वो इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत सारे लोग मिलकर लिमिटेड पार्टनरशिप बनाते हैं। मेरा पैसा, उसका पैसा, तीसरे बंदे का पैसा, उन 4-5 लोगों का पैसा इकट्ठा करके वो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं। दे पूल फंड्स टू इन्वेस्ट, वो इकट्ठा करते हैं पैसा ताकि वो स्टार्टअप्स में पैसा लगा सकें। वो स्टार्टअप में पैसा लगाने के बदले में इक्विटी शेयर मांगते हैं, आपके बिजनेस का स्टेक वो मांगेंगे। और एक और बात, वो जनरली उन स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं जो इनिशियल स्टेज पे नहीं होते। यहां पर हमने आपको बताया कि आपका आइडिया या प्लान लेकर ही आप एंजल इन्वेस्टर के पास जा सकते हो। यहां पर ऐसा नहीं है, वो इनिशियल स्टेज क्रॉस कर चुका होता है प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगाते हैं, उसमें उनको ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है, उनको लगता है कि ये बिजनेस आगे तक जाएगा, उसमें वो पैसा खुशी खुशी लगाते हैं। बट इट इज नॉट एट द अर्ली सीड स्टेज पे नहीं होता, वो बिल्कुल छोटे लेवल पे नहीं होता, थोड़ा सा वो बिजनेस चल चुका होता है उसी में वो पैसा लगाते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंसेस। एंजल इन्वेस्टर वो अपना पैसा लगाते हैं छोटे छोटे बिजनेस में, अपना पैसा, उनको उस बिजनेस में पोटेंशियल दिखता है, उनको दिखता है कि ये बिजनेस का, इसलिए वो पैसा लगाते हैं। पैसा भी वो अपनी जेब का लगाते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है, इसलिए वो स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट अपना पैसा नहीं लगाते, हमने आपको बताया कि वो दूसरे लोगों का पैसा भी लगाते हैं। पूल मनी टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, इकट्ठा करते हैं पैसा, कोई पेंशनियर है, कोई रिटायर्ड फलां है, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनका पैसा इकट्ठा करके अपना भी लगाते हैं। माय पॉइंट इज दे डू नॉट यूज देयर ओन मनी, सिर्फ और सिर्फ उनकी जेब में से पैसा नहीं जाता, उनकी जेब में से भी जाता है पर दूसरों का पैसा भी वो स्टार्टअप में लगाते हैं। तो जिस स्टार्टअप में वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाएगा, वो सारा पैसा उसी वेंचर कैपिटलिस्ट का नहीं होगा, दूसरों का पैसा भी उसमें लगा हुआ होगा। अदर पीपल मनी इज इन्वेस्टेड, मे बी अ लिटिल शेयर ऑफ ओन मनी वुड बी इन्वेस्टेड, थोड़ा सा उसकी अपनी जेब का भी होगा, बाकी का वो दूसरों की जेब का पैसा आपके स्टार्टअप में लगा देते हैं। और एंजल इन्वेस्टर तो खुद का पैसा ही लगाते हैं। सेकेंड पॉइंट, एंजल इन्वेस्टर आपके
स्टार्टअप के प्लान को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बट दे एनालाइज, लेकिन वो डीप एनालिसिस नहीं करते हैं, डीप रिसर्च नहीं करते हैं, एक एक चीज में जाकर उसको खंगालना ऐसा नहीं करते हैं, ओवरऑल प्लान का आउटलुक देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं बाहर से, नो डीप एनालिसिस। वो अपना पैसा लगा रहे हैं ना, जब आप वो अपना पैसा लगा रहे हैं तो वो किसी को तो आंसरेबल है ही नहीं, अगर वो पैसा डूब भी जाएगा तो उनकी जवाबदेही दूसरे बंदे के साथ नहीं है, दे हैव टू आंसर देयर ओन सेल्फ। अगर उसने 10 लाख लगाया और मान लीजिए 10 लाख डूब गया, तो कोई और आकर कोई शिकवा नहीं करने वाला कि भाई तूने मेरा पैसा डुबा दिया, वो पैसा था ही उसका, इसलिए उसकी मर्जी है, वो जितना मर्जी रिसर्च करे ना करे। अगर उसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि उसको 10 लाख के जाने का कोई गम नहीं लगेगा, तो वो ज्यादा रिसर्च करेगा ही नहीं। इसलिए दे हियर द प्लान एंड डिसाइड इफ दे फाइंड इट सूटेबल, दे इन्वेस्ट इन इट। वो सिर्फ प्लान को सुनते हैं, एंटरप्रेन्योर में देखते हैं कोई दम है, कोई बात है, उनको लगता है अच्छा चल जाएगा, वो इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? उनका अपना पैसा होता है, किसी और को जवाबदेही देनी ही नहीं होती। वेंचर कैपिटलिस्ट थोड़ी ज्यादा रिसर्च करते हैं एंजल इन्वेस्टर के मुकाबले में, ज्यादा रिसर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों का पैसा लगा है ना, सिर्फ और सिर्फ उनका अपना पैसा नहीं लगा, दूसरे का पैसा लगा है ना, तो जवाबदेही तो होगी ना, इसलिए दे इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, अच्छा है पहले ही रिसर्च करको, चार और आपका पैसा भी लग रहा है, चार और लोगों का पैसा भी लग रहा है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद अदर पीपल्स फंड। यू सी, आपके पास आपका अपना एक पेन है, मान लीजिए वो 2000 रुपए का पेन है, आपने खरीदा आपकी अपनी चीज और आप उसको भूल गए, कहीं पर आप किसी पार्टी में गए थे, मूवी देखने गए थे, वहां पर आपसे वो पेन मिसप्लेस हो गया और वो खो गया, इट्स ऑल राइट, इट वॉज योर मनी, 2000 रुपए कूड़े में चले गए, कोई बात नहीं। अगर आपने वो 2000 का पेन किसी और से, अपने फ्रेंड से बोरो किया हो, तो आप उसको संभाल कर रखेंगे कि भैया मुझे ये पेन उसको वापस देना है, ये पेन मेरा खोना नहीं चाहिए, आप लापरवाही कभी भी नहीं करेंगे उसके साथ, क्योंकि वो दूसरे की चीज है, राइट। सिमिलरली बिकॉज अदर पीपल, दूसरे लोगों के फंड इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए लापरवाही नहीं करेगा वो वेंचर कैपिटलिस्ट, एक एक चीज को देखेगा, जानेगा, परखेगा, सिर्फ तभी पैसा उस स्टार्टअप में लगाएगा। एंजल इन्वेस्टर्स आर जनरली द एक्स एंटरप्रेन्योर्स, वो कभी अपने टाइम में एंटरप्रेन्योर्स थे, अब रिटायर हो गए या छोड़ दिया या किसी और फील्ड में चले गए, जनरली दे आर द एक्स एंटरप्रेन्योर्स। और इधर दे आर अ पार्ट ऑफ फर्म्स, वो फर्म्स बनाते हैं, कॉरपोरेशंस बनाते हैं, पेंशन फंड इकट्ठा करते हैं, ये सारे के सारे इकट्ठा होकर पूल करते हैं मनी और फिर इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एंजल इन्वेस्टर्स आर मोर लाइकली टू इन्वेस्ट इन सच बिजनेस दैट आर जस्ट स्टार्टिंग। एंजल इन्वेस्टर सीड स्टेज, अर्ली स्टेज, बिल्कुल आइडिया वाली स्टेज पर भी अगर कोई एंटरप्रेन्योर उनके पास जाता है एक प्लान, बिजनेस प्लान का आइडिया लेकर ही, तब भी एंजल इन्वेस्टर उसमें पैसा लगा देगा अगर उसको एंटरप्रेन्योर में और बिजनेस प्लान में दम दिखाई देगा। सो दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन सच बिजनेस, ऐसे बिजनेस में भी वो पैसा लगा देते हैं जब सिर्फ एक आइडिया लेकर ही आप उनके पास जाते हो छोटे से प्लान के साथ, राइट। एंटरप्रेन्योर पैसा मांगेगा और वो एंजल इन्वेस्टर एंजल बन जाएगा, एक परी बन जाएगा आपकी लाइफ में और स्टार्टअप एक्शन में आ जाएगा क्योंकि उसने उसके ऊपर पैसा लगा दिया। तो बिजनेस अभी है नहीं, अभी सिर्फ बातें ही हैं, लेकिन एंजल इन्वेस्टर फिर भी उसमें पैसा लगा देंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप बातों का प्लान लेकर उनके पास जाएंगे वो पैसा नहीं लगाएंगे, वो उस बिजनेस में पैसा लगाते हैं जो थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो चुका होता है, वो बिजनेस ग्रोथ स्टेज पे आ जाए, एक्सपेंशन स्टेज पे आ जाए, तब ही पैसा लगाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वो जो स्टार्टअप था वो एस्टैब्लिश हो चुका है, अब वो वीसी जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो उसका स्कोप देखेगा, एनालाइज करेगा इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि वो अपने पैसे को डूबते हुए नहीं देखना चाहते और अपने पैसे को खोने का रिस्क जो है वो मिनिमम करना चाहते हैं, कम से कम करना चाहते हैं। इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट ना तो सीड स्टेज अर्ली स्टेज पे पैसा लगाता है, थोड़ा सा बिजनेस चल जाए उसके बाद ही पैसा लगाता है, और जैसा मैंने आपको बताया वो बहुत ज्यादा एनालिसिस और रिसर्च भी करके ही पैसा लगाता है।
एंजल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, क्यों? रिस्क तो लिया ही ना, एक बातों के प्लान में ही आपने पैसा लगा दिया, बिजनेस तो शुरू ही नहीं हुआ था, एक एस्टिमेट लगाया उन्होंने कि हाँ भैया ये जो बात बोल रहा है इसमें दमे लगा दो पैसा, तो वो पैसा एस्टिमेट के तौर पर ही लगा दिया, एस्टिमेट्स और आइडिया सुनकर ही पैसा लगा दिया। उनका जो पर्पस है, उनका पर्पस स्टार्टअप्स को हेल्प करना है कि चलो हम ही सेक्रीफाइस कर देते हैं, क्या पता मेरे इतने 10 लाख लगाने से इसका फ्लरिश हो जाए बिजनेस। सो दे आर रेडी टू टेक मोर रिस्क, बट वेंचर कैपिटलिस्ट दे टेक लेसर रिस्क। उनको अपना सब कुछ प्रॉपर चाहिए, उनको उनका एनालिसिस चाहिए, रिसर्च चाहिए, दम चाहिए, और ये देखना चाहिए कि थोड़ा सा तो वो बिजनेस चला चुका था, सो दे टेक लेसर रिस्क। ओके, नेक्स्ट इज दे डू नॉट एक्सपेक्ट वेरी हाई रिटर्न। उसको बहुत ज्यादा उम्मीदें जो हैं अपने पैसे को लेकर नहीं रहती हैं कि अरे मेरे को इसमें 20% तो मिल ही जाए, अगर मैंने 10 लाख लगाया है तो इसका 20% मुझे आना चाहिए, ऐसा उनका हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, नॉर दे वॉन्ट हायर रिटर्न्स। बट वेंचर कैपिटल्स दे एक्सपेक्ट हायर रिटर्न्स, उनको चाहिए, उनको चाहिए कि खूब सारा उनका पैसा जो है वो भी उनको वापस मिल जाए। आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।